नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। रविवार का साप्ताहिक बिंदास बोल लेकर आपके सामने उपस्थित है। आज के बिंदास बोल में भी हम इस सप्ताह की सभी उन समाचारों को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे जो इस सप्ताह में आपसे ना छूटे, ऐसा हम चाहते हैं। प्रारंभ करते हैं हमने महाराष्ट्र के मठ, मंदिर और किले, इनके ऊपर जहादी आक्रमण को लेकर, लैंड जहाद को लेकर, उनके कब्जे को लेकर, मजार जहाद को लेकर एक अभियान चलाया हुआ है। अभी तो किलों का नंबर नहीं आया है, लेकिन इस वक्त मैं आपके सामने जो मुद्दा लेकर आया हूं वो मंदिरों का है। लगातार मैं आपके सामने ऐसे कई मंदिरों को दिखा रहा हूं। आज के एपिसोड में भी ऐसे दो मंदिरों को मैं दिखाऊंगा, वहां से शुरुआत करके फिर हम हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में जो महत्वपूर्ण दूसरे मुद्दे उसकी तरफ भी जाएंगे, जिसमें पंजाब से लेकर देश के सारे महत्वपूर्ण मुद्दों को छूने का प्रयास करेंगे। आज का पहला मुद्दा महाराष्ट्र के संभाजी नगर का है, जिसको लोग औरंगाबाद कहते हैं, और वहां पर एक तहसील है जिसको लोग खुलताबाद कहते हैं, हम रत्नपुर कहते हैं, और उसकी एडिशनल सबसे बड़ा परिचय है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा क्रूर कर्मा जो था, लोग जिसको हिंदुस्तान का बादशाह कहते थे, हालांकि उसके अंडर कभी पूरा हिंदुस्तान कभी भी नहीं था, उस औरंगजेब की कब्र यहां पर है। औरंगजेब को यही गाड़ा गया था मराठों के योद्धाओं के द्वारा, उस औरंगजेब को वहां पर गाड़ा था जिसने दिल्ली के तख्त पर बैठने के लिए अपने बाप को जेल में डाला, अपने भाई का कत्ल किया, अपने बेटे को जेल में डाला, लेकिन इसको महाराष्ट्र के बाहर आने नहीं दिया क्योंकि इसने संभाजी राजे की हत्या की। ऐसे क्रूर कर्मा को पराजित करने वाले महाराष्ट्र में अब भगवान महादेव के मंदिर में ही मजार बना दी है। क्या है पूरा मुद्दा देखें। महाराष्ट्र में लैंड जिहाद और मजार जिहाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। संभाजी नगर में 900 वर्ष पुराने ऐतिहासिक प्राचीन हिंदुओं के आराध्य देव महादेव के विराट शिवलिंग पर जिहादियों का अब कब्जा हो गया है। भव्य और विराट शिवलिंग को मजार जिहादियों ने कैद कर दिया है। 900 वर्ष पुराने ऐतिहासिक महादेव के मंदिर को तो मुगल आक्रांता औरंगजेब ने तोड़वा दिया था, मगर फिर भी हिंदुओं ने यहां पर अपना पूजा पाठ करना जारी रखा। अब जिहादियों ने दरगाह के नाम पर मंदिर की भूमि को कब्जे में ले लिया है। मंदिर के अंदर इस विराट शिवलिंग के अस्तित्व को छिपाने के लिए चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें बना दी गई हैं। इस स्थान का नाम शेख शाह जलालुद्दीन दरगाह रख दिया गया है। महाराष्ट्र के संभाजी नगर के रत्नापुर गांव का ये शिव मंदिर है। इस विराट महादेव मंदिर का ऐतिहासिक प्रमाण पुरातत्व विभाग के पास मौजूद है, मगर मुसलमानों के दबदबे और भारी आबादी के कारण किसी ने आवाज नहीं उठाई। यही कारण है कि जिहादियों ने न सिर्फ धीरे धीरे पूरी जगह पर अतिक्रमण कर लिया, बल्कि शिवलिंग के स्थान पर ही मजार बना दी। अब अतिक्रमण की जगह पर दरगाह समिति भी बना दी गई है। कमेटी बनाकर इसे कानूनी अमली जामा पहनाने की कोशिश तेज कर दी गई है। इस विराट शिवलिंग के पास एक बोर्ड लगा हुआ है कि जूते चप्पल यहां उतारे जाएं, उसके बाद दरगाह में प्रवेश करें, जिसके चलते दरगाह में आने जाने वाले मुसलमान अपने जूते चप्पल शिवलिंग के पास उतारते हैं, जिससे भगवान शिव का घोर अपमान हर रोज हो रहा है। भगवान शिव जी के इस पवित्र मंदिर परिसर को दरगाह के साथ साथ अंदर कब्रिस्तान भी बना दिया गया है, जहां पर मुसलमान आए दिन मुर्दे गाड़कर चले जाते हैं। इस परिसर में एक तालाब भी है जिसे परियों का तालाब नाम दिया गया है। इसे लेकर दरगाह कमेटी की तरफ से यहां पर अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, लोगों को भ्रमित करने का कार्य यहां पर हो रहा है। इस तालाब में निर्वस्त्र होकर स्नान करने से भूत भागता है, ढोंग मौलवी करते हैं और महिलाओं की इज्जत व आबरू को तार तार कर रहे हैं। परिसर में एक पेड़ भी है जिसे मौलवियों ने आसे का पेड़ नाम दिया है। दरगाह में आकर बकरे की बलि देकर पेड़ के फलकाने से नामर्दी की बीमारी दूर करने का झूठा दुष्प्रचार कर मौलवी लोगों को ठग रहे हैं। शुक्रवार को बड़ी संख्या में जिहादी यहां आकर शिवजी के विराट शिवलिंग के आसपास बैठकर मांसाहार करते हैं और शिवलिंग को अपवित्र कर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। इस परिसर में शिवजी के विराट मंदिर निर्माण को लेकर कई बार हिंदुओं ने आंदोलन तक किया है, लेकिन मुसलमानों की संख्या यहां ज्यादा होने की वजह से हिंदू ज्यादा कुछ नहीं कर पाए।
जिहादियों के द्वारा किए गए महादेव के विराट शिवलिंग परिसर में अतिक्रमण को लेकर जब सुदर्शन न्यूज की टीम शिव मंदिर के परिसर में पहुंची तो वहां बनी इस अवैध दरगाह के नाजायज कमेटी के लोगों ने सुदर्शन न्यूज की टीम को डराने की कोशिश की, मगर फिर भी सुदर्शन न्यूज की टीम इन जिहादियों के आगे बिना डरे बिना झुके इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करती आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। हमारे साथ गेस्ट भी जुड़े हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ और वीडियो दिखाना चाहता हूं जिससे कि आपको इस मुद्दे की पूरी जानकारी हो सके। देखिए, एक एक करके कुछ वीडियो दिखा के फिर मैं गेस्ट के पास जाऊंगा। रत्नपुर गांव में जिसे राष्ट्रवादी लोग कहते हैं रत्नपुर, और दूसरे जो लोग हैं वो कहते हैं खुलताबाद, और आप यहाँ देख सकते हैं कि 900 वर्ष पुराने हमारे हिंदुओं के आराध्य देव के यहाँ पे शिवलिंग विराजमान है। ये शिवलिंग का इतिहास है कि ये 900 वर्ष पुराने प्राचीन शिवलिंग है, और इस शिवलिंग की विशेषता यह है कि इन्हें यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से चार दीवारी, यहाँ आप जितना नजर डालेंगे चारों तरफ अब दरगाह बन चुकी है, सामने गेट है, यानी कि पूरी तरह से दरगाह के कंपाउंड में ये जो शिवलिंग है इस वक्त बंद है, यहाँ पे इनकी पूजा नहीं होती है। बताया जा रहा है कि 15 साल पहले हिंदुओं ने आंदोलन किया था शिवलिंग को यहाँ से निकालने के लिए, 2 क्रेन लगाए थे, लेकिन शिवजी 1 इंच भी नहीं हिले यहाँ से। लेकिन अभी भी शिवजी की आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से अपमानजनक स्थिति में है, पेरे में जूते चप्पल पहन के यहाँ पे सब आते हैं, और सामने आप देख सकते हैं जो दरगाह है वहाँ पे जूते खोल के अंदर जाया जाता है। हालांकि बताया जा रहा है कि यहाँ पे किसी तरह की पूजा नहीं होती है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब जो धीरे धीरे इस जो ऐतिहासिक शिवलिंग है यह पूरी तरह से दरगाह के अंदर पूरे चार दीवारों के अंदर पूरी तरह से बंद है। पुरातत्व विभाग के पास इसका पूरी जानकारी है, पुरातत्व विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो है ये अतिक्रमण किया गया है, और ग्राम पंचायत द्वारा ये अतिक्रमण हुआ है, इसके लिए ग्राम पंचायत को अतिक्रमण निकालने की जरूरत। लेकिन सवाल है उन सोए हुए हिंदुओं से कि कब हमारे ऐतिहासिक शिव जी के विराट शिवलिंग को यहाँ से आजाद करेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ। हमारे रिपोर्टर ने इस कब्जे का वहां पर मास्टरमाइंड या जो भी प्रमुख है इस वक्त जो मिला मौलाना, उसको जो प्रश्न पूछे उसका उत्तर मौलाना नहीं दे पाया, सुनिए। मुझे ये बताइए कि जो शिवलिंग है हिंदुओं के आराध्य शिवलिंग, तो कितने साल से आप देख रहे हैं ये तो पूछो। हम तो हमारे बचपन में देख रहे हैं, हाँ। पर आपको मैं जानकारी नहीं दे सकता, कमेटी के तरफ से लेकिन नहीं, 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 लेकिन आपकी तरफ से कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम का एक ये मतलब प्यार है यहाँ पे एक साथ रहते हैं ऐसा, तो मुझे मैं क्या बोल रहा हूँ, आप कमेटी की जो मेंबर है ना सदर साहब, आप उनसे पूरा पूछो, आपको सब बताएंगे। नहीं, मुझे बता नहीं, मैं नहीं बता सकता, माफी चाहता, मेरा काम ही नहीं है। अच्छा, दरगाह के बारे में बता दीजिए। मैं नहीं बता सकता। अच्छा, दरगाह में जो लोग आते हैं तो क्या यहाँ खास विशेषता है, क्या मतलब आप बताते इसके बारे में, जो पेड़ वगैरह है आप बोलते कि झाड़ के फल है तो वहाँ पे बच्चे पैदा हो जाते खाने से, तालाब में नहाने से भूत चला जाता है, ये सही बात है? नहीं, मैं माफी चाहता, आपको नहीं बता सकता। क्यों, मुझे क्यों नहीं बता सकते? आप जिस तरह से सारे लोगों को बता रहे हैं, मुझे बताने में आपको तकलीफ क्या है? चप्पल उतार लो, नहीं बता, कमेटी इजाजत नहीं देती भाई, बता कमेटी इजाजत नहीं देती, लेकिन आप समझ सकते हैं कि आप नहीं, आप इतना सब कुछ करते, क्या ये भगवान के आजू बाजू ऐसा कुछ कर नहीं सकते जो पेरा में वहां तक नहीं जाए, पूरी गंदगी पेर में सब धूल पड़ी हुई? कमेटी से आप पूछ सकते, कमेटी से पूछ सकते। कौन है कमेटी का मेन सदर साहब से बात कर, कहाँ है सदर साहब, नंबर बोर्ड बताइए। दुनिया भर की बातें करने वाले जो मौलाना है, सुदर्शन वाले को देखकर कैसे सिट्टी गुट्टी गोल हो जाती है आप देख सकते हैं। यह हमारे रिपोर्टर का शौर्य है कि ऐसे कंपाउंड के अंदर घुसकर भी वो रिपोर्टिंग करता है, हालांकि इस समय विरोध भी होता है, ये विरोध का वीडियो देखिए, आखिर क्यों रोका गया हमारे रिपोर्टर। हमारा भगवान है ना वहाँ पे, इसके आपका भगवान है, हम आ नहीं सकते। मैं क्या बुढ़ा, भगवान है सर, वहाँ पे हमारे भगवान है, नहीं आ सकते। आप ऐसा पूछ सकते, भगवान है, नहीं आ सकते। मैं क्या बुढ़ा, आप ऐसा पूछो, डायरेक्ट कैमरा हमने वही वजह से क्या करे, आप आके पूछ सकते हो जिम्मेदार कौन है, वहाँ वोट लिखे हुए, वहाँ पूछा ना भाई, पूछा ना, वही बोला ना मैं, आप जिम्मेदार से पूछ के काम कर सकते हैं, अभी हम पूरा कर रहे हैं, उसमें कोई सी बड़ी बात है? अरे बड़ी बात है, बोले तो तुम जो जो आपने चोरी करने का इसको नहीं है यहाँ पे, मैं क्या बता रहा हूँ, चोरी करने का
कौन सा यहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम का एक साथ ये है उसका बना रहे हूँ तो बोला कमेटी काहे के वास्ते है हम काहे के वास्ते है हम जिम्मेदार है हम आपको नहीं जानते लेकिन मुजावर जी हम भाई ना अरे मुजावर को छोड़ो हम काहे के वास्ते हम पूरे इसके देखने वाले देखने वाले ना अगर यहाँ पे कुछ होगा तो हम ही देखना है लेकिन हमको तालाब का हमने जैसे बोर्ड पढ़ लेना कि मर्द नहीं जा सकते वहां से पलट जाए क्यों नहीं ना देखो एक मिनट हमारा आपका काम है पर हम भी जिम्मेदार नागरिक है तो हमको समझ में आता है कि कहां जाना है वहाँ पे बोर्ड लिखा था हम वहाँ पे रुक गए कि नहीं वहाँ पे मर्द नहीं देखो एक एक जो आप बोल रहे आप जो बोल रहे पहले मेरी बात सुन दो आप आने बहने की मनाही नहीं है हमारा कहना ये है कि आप परियों के तलाब की बात कर रहे हो ना सर देखो यहाँ पे दो स्थान है धार्मिक अगर हमारा है तो हम नहीं आ सकते आप बोलो नहीं आ रहा है पहली बात तो आप जो बोल रहे एक बार चाहते हैं कि हमारे भगवान का कोई यहाँ अच्छा कर दे तो आपको क्या तकलीफ है अरे आप भी कर सकते हमारी भावना दुखती हमारे भगवान पैरों में नहीं आना कुछ बना दो भाई चबूतरा हमारा भगवान है ना वहाँ पे सोचिए कि सुदर्शन के रिपोर्टर को रोकने की प्रयास किए लेकिन जो रुक जाए वो फिर सुदर्शन का रिपोर्टर कैसे हो सकता है गुस्सा अंदर दिखाया देखें देश भर में कई हिंदुओं के मंदिरों को नुकसान पहुंचाने वाले दरिंदे औरंगजेब की कब्र इसी रत्नापुर गांव में है जिसके चलते इस रत्नापुर गांव को राष्ट्रवादी लोग तो रत्नापुर के नाम से जानते हैं लेकिन औरंगजेब के वंशज इसे खुलताबाद कहते हैं। इसी रत्नापुर में विराट 900 वर्ष पुराने महादेव का शिवलिंग आज भी मौजूद है लेकिन इन जियादियों ने अतिक्रमण करके शिवलिंग परिसर को पूरा दरगाह में कन्वर्ट कर लिया है और शिवलिंग के मंदिर परिसर को बना दिया है कब्रस्तान। देश भर में कई हिंदुओं के मंदिरों को नुकसान पहुंचाने वाले दरिंदे औरंगजेब की कब्र इसी रत्नापुर वहां पर जो वीडियो आपको दिखा इसके साथ ही मैं अभी प्रतिक्रियाओं को दिखाता हूं साथ साथ में आप वीडियो देखते रहिए कैसे जमीन पर शिवलिंग रखा हुआ है 900 साल पुराना है वहां पर कई ट्रैक्टर जेसीपी बड़े बड़े मशीन लगाकर उसको तोड़ने का प्रयास हुआ लेकिन वो हिला ही नहीं मजबूरी में रखा हुआ है लेकिन अपमान के साथ है। हिंदुस्तान में महादेव जमीन पर पड़े हुए हैं और वहां जूते चप्पल पहनकर सब लोग जा रहे हैं क्या ये स्थिति है इस पर स्थानीय प्रतिनिधियों से लोगों से बात की बसैया बंधु क्या कहते हैं देखिए 1294 के पहले ये जो देवगिरी का साम्राज्य का किला है अलाउद्दीन खिलजी ने आकर उसको लूटा और तब से उसका नाम दौलताबाद रखा लेकिन उसी समय रत्नपुर के अंदर विश्व के लोग वहाँ पर हीरे मोती जवाहरात का व्यापार करने के लिए आते थे ऐसे रत्नपुर में पहाड़ों के ऊपर देवगिरी का साम्राज्य था और वहाँ पर सभी देवी देवताओं के अलग अलग मंदिर थे जो मंदिर औरंगजेब ने आने के बाद यहाँ पर उसको तोड़ा और जैसे बाबर ने अयोध्या के मंदिर को तोड़कर उसी के ऊपर की शिलाओं को लेकर मंदिर बनाया था ढांचा बनाया था ऐसा आज भी विद्यमान है। मैं देश भर के हिंदुओं से बोलना चाहता हूँ आओ देखो जिसकी कब्र पड़ी है वहाँ पे मिट्टी के अंदर उसके सामने भी लक्ष्मी माता का भव्य मंदिर था जालंधर नाथ का मंदिर था कुछ जर्जरी बक्स बना कर रख दिया इन्होंने। और तीसरी बात यह कि आज जहाँ पर आप देख रहे हैं और हम भी आप कई वर्षों से आंदोलन कर रहे जहाँ पर शिव जी का लिंग पड़े वाला है शिव जी का पिंड पड़े वाली है उस पिंड के अंदर जो पूजा अर्चा होनी चाहिए थी लेकिन उस समय के लोगों ने उन्हीं मंदिरों के पत्थरों को तोड़कर वहाँ एक बड़ा मजार बना के रखा है एक बड़ा मस्जिद बना के रखी है और आप तो ये होने के बाद इतना उन्होंने आतंक किया है कि अंदर हिंदुओं को जाने के लिए भी वो मना करते हैं और वहाँ जहाँ शिवलिंग पड़ा है उस शिवलिंग के बारे में लिखा है यहाँ जूते चप्पल उतारा करो यानी अपमानित करने वाली बातें यहाँ पर की जा रही है। जो रत्नपुर की जो पंचायत है ग्राम पंचायत उनको सारा इतिहास मालूम है बाद में तुम्हारा शूली भंजन का इतिहास भी मालूम है परी वाला तालाब भी मालूम है बाद में आज भी देखते कागजीपुरे के अंदर कोपरे के ऊपर तालाब के ऊपर मंदिर खड़ा हुआ है उसी मंदिर के ऊपर चूना मार के इन्होंने वापस उसको मस्जिद बनाने का प्रयत्न किया। बताइए इतना ऐतिहासिक संदर्भ होते हुए और सरकारी रिकॉर्ड में नाम होते हुए और केंद्र सरकार का आर्कियोलॉजी पुरातत्व विभाग कहता है कि ग्राम पंचायत ने अतिक्रमण करवाया है तो भाई ग्राम पंचायत तो सबसे छोटी इकाई है
यह आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट सबसे फ्रॉडिश डिपार्टमेंट है। मैं कल्चर मिनिस्ट्री के अंदर आने वाले इस डिपार्टमेंट की जांच करने और ऐसे सारे अतिक्रमणों को हटाने के लिए भारत सरकार के वर्तमान जो संस्कृति मंत्री है उनको मिलूंगा और ये सारे रिकॉर्ड सबमिट भी करूंगा। केवल खबर नहीं दिखाते हम, समस्या नहीं समाधान भी देना हमारा काम है। इसी क्षेत्र से 4 बार 5 बार सांसद रहे चंद्रकांत खैरे जी क्या कहते हैं उनका सुनते हैं। रत्नपुर में जो शिवलिंग है, शिवलिंग के पास मांस मटर मांस मच्छर खा के जाने का, जूते चप्पल पहन के जाने का, यानी कि वो हिंदू धर्मीय का अपमान है, हिंदू देव देवता का अपमान है। मैं मुसलमानों को ये कहूंगा कि अरे मुसलमानों, इस्लाम में क्या लिखा है और इस्लाम कुरान में क्या लिखा है वो जरा देखो। कोई धर्म के ऊपर कोई आज नहीं उठाना चाहिए दूसरे धर्म के ऊपर। माननीय शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी बोलते हैं हम कड़वट हिंदुत्ववादी है, लेकिन किसी धर्म पे किसी मजहब पे अन्याय अत्याचार मत करिए। जब वो इतना विचार उनका है तो इनका विचार क्यों नहीं है? ये जानबूझ के कुछ लोग जो है, मैं तो उनके ऊपर केस करने वाला हूँ अभी, कि ये अगर ऐसे करने लगे तो फिर दंगे फसाद बढ़ जाएंगे। और रत्नपुर में चंद्रकांत खैरे जी को मिलूंगा तो पूछूंगा कि ये कुरान पर आप कब से भाषण देने लगे, आपसे ये उम्मीद नहीं है। शिवसेना का वर्तमान स्टैंड लैंड जहादियों को अपने पूरे राज्य में आतंक मचाने के लिए पर्याप्त है और वो उसका पूरा फायदा भी उठा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, करणी सेना के राजपूत क्या कहते हैं सुनते हैं। अगली प्रतिक्रिया भी आपको कुछ लोगों की दिखाएंगे, उसके बाद पैनल के पास है। ये उसका प्रतीक है कि वहां मंदिर था और औरंगजेब को वहां पर उसकी कब्र बनाना था, इसलिए उसने वो मंदिर तोड़ा गया और वहां पर आज भी जो शिवलिंग है उसके बाजू में अतिक्रमण किया हुआ है। पर वो मंदिर तोड़ा था, पर मैं सभी हिंदू बांधव के तरफ से ये आह्वान करूंगी, सबको मीडिया द्वारे में सबको बोलना चाहूंगी कि वहां पर कितना भी अतिक्रमण हो प्रशासन को मैं विनंती करके या फिर उसके पुरावे सादर करके वहां पर मंदिर जरूर बनेगा और ये मंदिर बना हुआ कोई भी उसको रोक नहीं सकता है। चंदा जी के बाद संजय जी को सुनते हैं, वो क्या कहते हैं। आप भी आपकी प्रतिक्रिया हम तक। 10 साल पहले अपन वहां सबको रोका था, लेकिन वो जो गांव है ग्राम पंचायत वो पूरा मुस्लिम गांव है और अपना वहां संबंध नहीं रहने की वजह से उन्होंने जो अभी वहां इंक्रोचमेंट कर दिए है और वो दरगाह कमेटी बना के उसका परमिशन ले लो, ऐसा कुछ हिंदू भाविक लोग वहां जाते हैं उनको जो बोलते हैं, और जूते वो अपने महादेव शिवलिंग के पास उतारने को लगाते हैं। ये बहुत ही बड़ा हमारे देवी देवता का अपमान है और ये अपमान हिंदू जो है वो अभी नहीं सहेंगे, क्योंकि ऐसी घटनाएं ये पूरे अपना संभाजीनगर जिले में ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ऐसे 2-4 घटना भी हो गई। मैं सबको आह्वान करता हूँ, हमारा जो धर्माचार्य है काम करने वाले समाज में, हमारा जो बजरंग दल है और जितने विश्व हिंदू के कार्यकर्ता है उनको मैं आपके माध्यम से आह्वान करता हूँ, इसकी ये जो घटना है इसके ऊपर एक कमिटी बना के अपन कायदेशीर लड़ाई भी लड़ेंगे। पर इन मुद्दों को उठाते रहेंगे और स्थानीय नेताओं को इसके ऊपर बोलने के लिए कहेंगे। इतनी पुरानी बात, इतना पुराना इतिहास, साक्षात सबूत, जिसका औरंगजेब दरिंदा भी नहीं मिटा पाया तो उनके पिल्ले क्या मिटाएंगे, लेकिन आज उसको हम मुक्त करने में क्यों असमर्थ है अपने आप को पूछिए। पैनल हमारे साथ और उनके पास चलते, उसके बाद फिर हमको आज कई मुद्दों के ऊपर जाना है, नासिक का दत्त मंदिर भी दिखाना है, लेकिन अब हम फिलहाल रत्नपुर के शिव मंदिर पर बात करते हैं। हमारे साथ जो आज का अतिथि है उनके पास चलते हैं। विवेक बापते जी हमारे साथ है जो बजरंग दल से है, आपका स्वागत है विवेक जी। हमारे साथ राष्ट्रीय वारकरी संगठन के अरुण महाराज जी है, आपका स्वागत है महाराज जी। महाराज जी पिछले दिनों सिल्लोड़ के मंदिर के समय भी हमारे साथ शायद जुड़े थे। हमारे साथ हमारे संवाददाता बाबूलाल है जिन्होंने पिछले दिनों नेवासा और पैठन से लेकर और भी कई मुद्दों को उठाया था और इस मुद्दे पर भी उन्होंने बहादुरी से इस काम को किया है। मैं सबसे पहले बाबूलाल से वर्तमान स्थिति इस रिकॉर्ड के बाद, ये सारा वीडियो बनाकर लाने के बाद की समझना चाहूंगा कि
सुदर्शन ने मुद्दा हाथ में लिया है तो खलबली तो हुई होगी, क्या स्थिति है वहां? बिल्कुल सर, खलबली पूरी मच गई है कहीं ना कहीं। जब सुदर्शन की टीम वहां पे पहुंची थी तो दरगाह कमेटी पूरी हलचल में आ गई थी। उन्होंने हमें गेट पे ही रोक दिया था कि आप अंदर नहीं जा सकते, आपको जाने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा। हमने ये कहा था कि ये हमारा प्राचीन शिव मंदिर है, आपने हमारे शिव मंदिर को अतिक्रमण करके कब्रिस्तान में बदल दिया है, हमारे शिव जी की यहाँ पे विटमना हो रही है, हम उनका पूरा चरित्र देश के सामने ले जाना चाहते हैं। उनका बोलना था कि आप यहाँ वीडियो शूटिंग नहीं कर सकते। हमने कहा था कि हम आपकी कोई दरगाह से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम हमारे महादेव का जो भी है वो देश के सामने ले जाना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने हमारे साथ रोकना चाहे, हमारे साथ गुंडागर्दी की, बड़ी संख्या में वहां पे जिहादी इकट्ठे हो गए थे। लेकिन हम बिल्कुल भी डरे नहीं, क्योंकि हम सुदर्शन के सैनिक है, सुदर्शन के सैनिक जिहादियों से कभी नहीं डरता है। और हम बिंदास अंदर मंदिर में गए और जो सत्य था वो सामने लेकर आए। लेकिन हमारे सत्य दिखाने के बाद अब हिंदू संगठन जो है बता रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि इतना बड़ा प्राचीन, यहाँ पे बताया जा रहा है 900 वर्ष पुराना ऐतिहासिक महादेव का मंदिर, जिसे दुष्ट औरंगजेब ने तोड़ा था, लेकिन शिव जी को एक इंच हिला नहीं सके, वो शिव जी की पूजा वहां पे हिंदू क्यों नहीं कर सकता है? क्यों इतना अतिक्रमण का चांस दिया? हमने पिछले 4 साल पहले भी इस मुद्दे को एक बार लिया था सर, लेकिन तब वहां पे गेट नहीं बना हुआ था। लेकिन अब इन जिहादियों ने पूरा गेट बना दिया, यानी कि कोई भी हिंदू अंदर जाके हमारे भगवान की पूजा नहीं कर सकता है, ऐसी अवस्था वहां पे है। सुदर्शन की टीम में हिम्मत थी इसलिए अंदर गया। बिल्कुल हारून महाराज, आखिर ये स्थिति कैसे है? छत्रपति शिवाजी महाराज का मावड़ा कहाँ है? धन्यवाद सुरेश जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये सुदर्शन ही एक हमारा ऐसा चैनल है इस महाराष्ट्र में और मराठवाड़ा, खास करके संभाजीनगर में, जो संतों के ऊपर, देवताओं के ऊपर आक्रमण होता है तो आगे आता है। और ऐसा ये जो बात है ये तो ऐतिहासिक इसका संदर्भ है, क्योंकि यहाँ पे पहले इस्लाम का और मुसलमानों का कुछ भी नहीं था। ये तो हमारे पूर्वजों ने, मतलब वहां पे घृष्णेश्वर मंदिर है, भगवान शिवालय है, और बाजू में सब तरफ हमारी मराठों की पहली राजधानी थी देवगिरी। 5-5 किलोमीटर में हमारा पूरा ऐतिहासिक वहां पर पूर्वजों का पूरा सब संसाधन है। लेकिन यहाँ पर आप ऐसा देखा जाए तो यहाँ पर जो 5-5 किलोमीटर के अंतर्गत यदि सर्वे होता है तो सबको पता चलेगा कि यहाँ पर कितना अतिक्रमण हुआ है। और हर कंकर पे, हर जगह पे शिवालय है, भगवान की मूर्तियां है। बिल्कुल, जो बगल में एलोरा है जिसको मराठी में वेरूळ कहते हैं, जो विश्व विख्यात एलोरा केव्स के नाम से है, उस एक छोटे से गांव में 1.25 लाख शिवलिंग माने जाते हैं। कहीं पर भी मट्टी निकालो तो शिवलिंग मिल जाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज के दादाजी वहां पर रहते थे, उनका वहां मंदिर है। वही बात आपको, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे इतने बड़े पवित्र स्थान पर आखिर ऐसा कैसे हो रहा है? विवेक बापते, आप लोगों का बजरंग दल कहाँ है? जी, शहर में, संभाजीनगर शहर में ये घटनाएं काफी दिनों से हो रही है। सुदर्शन न्यूज चैनल के माध्यम से मुझे याद है आज से 2 साल पहले एक बड़ा आंदोलन किया गया था। प्रशासन की इसके बारे में पूरी विश्वसनीय सूत्रों से, माध्यम से दस्तावेज भी दी गए थे, पर सरकार के सुस्त कार्यक्रम की वजह से ये घटना, दुर्दैवी घटना महाराष्ट्र में घटी है। इस विषय में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के माध्यम से शहर में बड़ा हिंदुओं का जन आंदोलन किया जाएगा। इसके माध्यम में अभी भी संजयप्पा बारगा जी, हमारे जो प्रांत अध्यक्ष है, उन्होंने कहा है कि संपूर्ण समाज को लेकर इस विषय में एक बड़ा आंदोलन होगा। दर्शन को जाना शुरू करिए ना आप, दर्शन को जाना शुरू करिए, आंदोलन बाद में करिए, आपको कोई रोकता है तो हमको फोन करिए। बजरंग दल के सभी हिंदू भाई बहन इस दर्शन के लिए हर शनिवार को बड़े पैमाने पे जाएंगे, और इसका मैं बैठक लेके शहर में बाबूलाल जी के साथ माध्यम से संपर्क करके इस विषय में बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार। महाराज जी के पास चलते, महाराज जी यहाँ पर तो भद्रा मारुति भी है, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बड़ा ज्योतिर्लिंग है। ये वो क्षेत्र है जहां पर, मतलब हिंदू धर्म के प्रतीकों ही प्रतीकों है, और सबसे बड़ा इस्लाम का, हिंदुस्तान का क्रूर बादशाह, मैं तो नहीं मानता उसको बादशाह, लेकिन लोगों के लिए तथाकथित बादशाह, उसको महाराष्ट्र के भूमि ने वही गाड़ा है। आज उसके जाने के बावजूद भी स्वतंत्रता का 75 वर्ष हम मना रहे हैं, और एक कलंक कब तक ढोएंगे आप? यही हम सब जनता से और सब लोगों से एक बात यह सामने आने वाली है कि देखिए, जब पूरा हिंदुस्तान
पूरा हिंदुस्तान गुलाम हो चुका था, तभी यही घृष्णेश्वर से छत्रपति शिवाजी महाराज के जो दादाजी थे मालोजी राजे भोसले, उन्होंने घृष्णेश्वर मंदिर का शिवालय का जीर्णोद्धार किया था। और हमें ऐसा लगता है कि हम वहां पर तो अभी दिंडी ही निकालेंगे और उसका जीर्णोद्धार करके वापस हिंदवी स्वराज्य की नींव वहां पे ही जाके रखेंगे वाले अभी। वाह, शांतिगिरी महाराज जी है, इतने बड़े बड़े संत है जिनके पास लाखों लोगों की भक्त है, सब लोगों को साथ लेना चाहिए। सब लोगों से हम वारकरी संप्रदाय के सभी, क्योंकि ये वारकरी संप्रदाय की पुण्य भूमि है, क्योंकि हमारे संत एकनाथ जी महाराज के जो सभी को लीजिए, वारकरी हो वैष्णव हो शैव हो सबको लीजिए, सब सब लेके हम दिंडी निकालने वाले हैं वहां पे। बिल्कुल बाबूलाल, इस मुद्दे पे और क्या कोई अपडेट है? कि सर इन जियादियों ने जहाँ खास करके जो संभाजी नगर में शिवसेना काफी आक्रमक रहती थी, लेकिन अब ये संभाजीनगर जिले का ही मुद्दा है, इस मुद्दे पर शिवसेना के नेताओं का क्या कहना है? देखिए सर, शिवसेना के नेताओं ने जब 5 साल पहले हमने पहले सुदर्शन के द्वारा इस मुद्दे को उठाया था, तो उन्होंने कहा था कि हम 1 महीने में आंदोलन करेंगे, यहाँ पे भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। अंबादास दानवे जो कि शिवसेना के विधायक है, चंद्रकांत खेरे जो कि पूर्व सांसद है, लेकिन वो सब मौन है। आज हमने उनको एक बार फिर सुदर्शन के माध्यम से जगाने की कोशिश की है, वो अभी जागे तो नहीं है पूरी तरह से, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम 1-2 दिन में जाके वहां पे मीटिंग लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ जयंती के निमित्त हम वहां के शिवसेना को आह्वान करते हैं कि कम से कम आपके जिले में तो बाला साहब की शिवसेना और उसकी स्टाइल जीवित रखिए। आप तीनों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब पंजाब की तरफ चलते हैं, आपको मैं यूपीएससी जिहाद लेकर आया था। मुसलमान अधिकारी कैसे नौकरशाही जिहाद करता है, ये जब मैंने कहा तो मेरे ऊपर न जाने कितने केसेस हो गए और क्या क्या झेलना पड़ा। पंजाब का पूर्व डीजीपी आज अपना असली रंग दिखा रहा है, इस वीडियो को देखकर आप सब समझ जाएंगे। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार और पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा ने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला है। डीजीपी जैसे प्रतिष्ठित पद पर काम कर चुके मोहम्मद मुस्तफा की हिंदुओं के प्रति नफरत और घटिया सोच खुलकर सामने आई है। पंजाब की मलेरकोटला में एक कार्यक्रम के दौरान मुस्तफा ने कहा, अगर हिंदुओं को उनके जलसे के सामने जलसा करने की इजाज़त दी गई, तो ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, इनका कोई जलसा नहीं होने वाला। मैं कौमी फौजी हूँ, मैं कौमी सिपाही हूँ, मैं आरएसएस का एजेंट नहीं हूँ जो डर के घर में घुस जाऊंगा। अगर दोबारा इन्होंने ऐसी हरकत की, खुदा की कसम इनके घर में घुस के मारूंगा। सिर्फ वार्निंग दे रहा हूँ, मैं वोटों के लिए नहीं लड़ रहा, मैं कौम के लिए लड़ रहा हूँ। मैं जिला पुलिस और जिला प्रशासन को भी बताना चाहता हूँ, अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई मेरे जलसे के बराबर में, अगर फितरों को इजाजत दी गई, तो मैं ऐसे हालात पैदा करूंगा कि संभालने मुश्किल हो जाएगा। वीडियो में पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा हिंदुओं के खिलाफ आग उगल रहे हैं। वो हिंदुओं का सीधा विरोध करते हुए हिंदुओं के कार्यक्रम को नहीं होने की धमकी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, सिद्धू के होनहार सलाहकार पुलिस और प्रशासन को भी धमका रहे हैं। मैं जिला पुलिस और जिला प्रशासन को भी बताना चाहता हूँ, अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई मेरे जलसे के बराबर में, अगर फितरों को इजाजत दी गई, तो मैं ऐसे हालात पैदा करूंगा कि संभालने मुश्किल हो जाएगा।
तो क्या पंजाब में कांग्रेस के राज में हिंदुओं का कोई जलसा और कार्यक्रम अब नहीं होगा? क्या चन्नी और सिद्धू को इसके लिए मोहम्मद मुस्तफा से इजाजत लेनी पड़ेगी? क्या मोहम्मद मुस्तफा पंजाब में तालिबानी शासन लाना चाहते हैं? सिद्धू के सलाहकार और पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा की सोच और भाषा दोनों ही तालिबानी है। हिंदुओं के खिलाफ घृणित सोच रखने वाले मुस्तफा सरेआम हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। दूसरी तरफ सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा के खिलाफ मलेरकोटला में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। वहीं बीजेपी नेता संबित पात्रा ने मोहम्मद मुस्तफा और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संबित पात्रा ने ट्वीट किया, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ही बताएं कि मोहम्मद मुस्तफा को मोहरा बनाकर पंजाब में वो कौन से हालात पैदा करना चाहते हैं? क्या पंजाब को कश्मीर बनाना चाहते हैं? क्या पंजाब में फिर से 80 के दशक जैसे हालात पैदा करना चाहते हैं? क्या पंजाब में सिर्फ एक विशेष कौम को जलसे का अधिकार है? मोहम्मद मुस्तफा पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ भी मोर्चा खोल चुके हैं। पिछले साल सितंबर में सिद्धू का बचाव करते हुए मुस्तफा ने अमरिंदर को ललकारा था। पर नवजोत सिंह सिद्धू गद्दार नहीं है। अगर इसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू को गद्दार कहा, फिर मैं सारी किताब खोलूंगा। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा यूपीएससी जिहाद के ज्वलंत उदाहरण है, जिसका खुलासा सुदर्शन न्यूज कर चुका है। दूसरी तरफ जब देश के जिम्मेदार पदों पर बैठ चुका शख्स ऐसी बातें करता है तो उस पर सवाल खड़े होने भी लाजमी होते हैं। आपको बता दें कि मोहम्मद मुस्तफा कोई साधारण आदमी नहीं है, वो पुलिस महकमे में बड़े अधिकारी रह चुके हैं। उनकी पत्नी रजिया सुल्ताना सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। वहीं पंजाब के पूर्व डीजीपी रहे मोहम्मद मुस्तफा को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना रणनीतिक सलाहकार बना रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। ये मुस्तफा अपने आप को कौमी सैनिक कह रहा है। हम तो समझ रहे थे कि हमारे टैक्स के पैसे से सैलरी लेकर नमक खाने वाला ये तो देश का सैनिक होगा, लेकिन ये तो नमक हराम निकला, ये तो कौमी सैनिक है। इतने बड़े पदों पर रहने वाले यूपीएससी जिहादी, आखिर आपने राजनीतिक जीवन में ये सच बोल ही देते हैं? मैं पंजाब सरकार से और खास करके हिंदुस्तान की सरकार से मांग करता हूं, ये डीजीपी और पूरे इसके सर्विस जीवन में इसने अपने कौम के लिए क्या किया और हिंदुओं के विरुद्ध क्या क्या किया, इसकी जांच होनी चाहिए, जिसकी खुद वो अपने आवाज में वीडियो में गवाही दे रहा है। इतना वीडियो इसको उठाने के लिए और जेल में डालने के लिए पर्याप्त है, लेकिन सरकार उसकी है और जानता है कि फिलहाल तो इसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन याद रखना, सारा समय एक जैसा नहीं होता, सत्य का भी समय आएगा और ऐसे जिहादियों को सजा होगी। हमारे साथ आलोक झा है पंजाब से जुड़े हुए और उनके साथ कई लोग भी जुड़े हुए हैं। आलोक, मुस्तफा तो ऐसे बोल रहा है जैसे उसके बाप का राज है कि उसके बगल में किसी को सभा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। देखिए, बिल्कुल, जब भी हिंदुत्व को लड़काया जाता है तो उसको उसका प्रतिउत्तर देने के लिए एक ही नाम जो है वो जहन में आता है, वो है श्री सुरेश चौहान के का। आपको सर मैं बता दूं कि यहाँ पर मुझे लोगों को जुटाने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि जब आपका जिक्र आता है या फिर हिंदुत्व को जो एक तरह से चैलेंज करता है उसका जवाब देने का जिक्र आता है तो कई सारे वीर जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। पंजाब वीरों की धरती रही है, तो आप मेरे आसपास देख सकते हैं ये वो वीर हैं जो अभी 8 डिग्री सेल्सियस में और बारिश हो रही है उसके बीच जो है आपके प्रोग्राम में मुस्तफ़ा को जवाब देने के लिए खड़े हैं। तो उनसे हम सीधे आपकी बात कराते हैं और ये जानते हैं कि आखिर जो मुस्तफ़ा ने कहा है, जो गंदे बोल मुस्तफ़ा ने बोले हैं, उसका प्रतिउत्तर यहाँ के वीर, यहाँ के लोग कैसे दे रहे हैं। आपसे पहले जानना चाहेंगे, जिस तरह से मुस्तफ़ा का वीडियो आया है, हिंदुत्व को और हिंदू को ललकारा है उसने, आप क्या कहेंगे, कैसे जवाब देंगे? पंजाब है जो गुरुओं की धरती है, यहाँ पे पहले भी कई बार ऐसे लोगों को जवाब दिया गया है जो इस तरह की जो शब्दावली मुस्तफ़ा द्वारा बरती गई है उसका बहुत उसको नुकसान उठाना पड़ेगा और इसका जवाब है बहुत सख्ती से देंगे हम। उसका ये चीज़ समझ ले कि ये पंजाब का माहौल ना ख़राब करे तभी अच्छा है। अगर पंजाब का माहौल ख़राब होता है तो ऐसे लोगों को भुगतान देना औखा हो जाएगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं
जो सुदर्शन चैनल ने ये हमारे यहाँ के मुद्दे उठाए हैं, पंजाब के मुद्दे ऐसे हैं, और सुरेश चवाणके जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये भी पंजाब की तरफ से विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि सुरेश चवाणके जी का मैं पीछे प्रोग्राम देख रहा था कि उनके ऊपर कोई FIR दर्ज करवाने के लिए, मैं छाती ठोक के कहता हूँ मेरे साथ सभी दोस्त खड़े हैं, अगर जहाँ पे भी सुरेश चवाणके जी को जरूरत पड़ेगी हम वहाँ पहुँचेंगे और सुरेश चवाणके जी के साथ खड़ेंगे। बिल्कुल सर, जिस तरह से आगे आइए, जिस तरह से मुस्तफा ने जो बयान दिया है, क्या खून नहीं खोल रहा? बिल्कुल खून खोलता है, ऐसे निंदनीय अपराध करते हैं ये लोग, इनको ये नहीं पता हम क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे, इतना IG रहा ये, इसका वो देखिए पार्टी का चलता है भाई, इसको ये नहीं पता लगता मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोलता। शुरू में ये अपना चर्चा में रहा, कभी किसी जगह पहले उसके अमरिंदर सिंह के साथ था, उसके साथ इसके ऐसी हुई, अभी इन्होंने सिद्धू साहब के साथ वो OSD बना हुआ है, OSD ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता मैं किस धर्म बारे में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। आगे पहले हम यहाँ ये भुग चुके हैं 10-12 साल टेररिज्म का दौर, अब आगे नहीं चलने देंगे ये ऐसे। आप क्या कहेंगे सर? मैं तो यही कहूँगा कि इस पंजाब की गुरुओं पीरों फकीरों के धरती पे जिसने भी हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारक सांझ को तोड़ने की कोशिश की है, और जो उन्होंने उनको बोलना ये गुरुओं की तो धरती है, पीरों फकीरों की कभी नहीं थी, ठीक करना उनको जी। ये सर, ये गुरुओं की धरती रही है पंजाब, लेकिन पीरों फकीरों की धरती नहीं रही है, जिस तरह से खुलेआम चैलेंज मुस्तफा कर रहे हैं। नहीं कर, हम उनको अपने दिल से पूरे अपनी कम्युनिटी के तरफ से इस बात का घोर निंदा करते हैं, उनको पता होना चाहिए, इतने बड़े पद पे DGP पद पर हैं, उनको कोई भी वाणी अपने संजम से बोलनी चाहिए। सर आपसे ये पूछना चाहेंगे, जिस तरह से मुस्तफा ने कहा है और जैसा अभी सर कह रहे थे कि पंजाब जो है गुरुओं की धरती रही है, पीरों की धरती नहीं रही है, और अब ये मुस्तफा जो है वो सीधे सीधे हिंदुत्व को, हिंदू को चैलेंज कर रहा है। पहले तो मैं आप सबको कहना चाहूंगा जय श्री राम, और उसके बाद मुस्तफा को मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने कहा है ना कि वो कौमी सिपाही है घर में घुसकर मारेंगे, ये 1965 का भारत नहीं, ये 2022 का भारत है। मोदी जी के शासनकाल में उरी क्षेत्र जानते हैं ना, घर में घुसकर मारा, इसको बोलते हैं घर में घुसकर मारना। और मुस्तफा तो पंजाब में बैठा है, वो हिंदुओं को क्या ललकारेगा, एक बार बाहर आ जाए एक एक हिंदू उसका पंजाब से निकलना मुश्किल कर देगा। अब हिंदू डरने वाला नहीं है, कैराना का मुद्दा देखा ना आपने, हर जगह का हमारे सुरेश चौहान के जी हिंदुत्व की लड़ाई जिस शिद्दत जिस भावना के साथ लड़ रहे हैं, पूरे पंजाब का नहीं अपितु हरियाणा हिमाचल यूपी राजस्थान हिंदुस्तान के हर एक क्षेत्र का नागरिक चौहान के जी के साथ है, मोदी जी के साथ है। हिंदू अब अलग नहीं है, हिंदू एक हो चुका है। और मैं किसी कौम का नाम नहीं लूंगा, लेकिन इतना जरूर बताना चाहूंगा कि ये वीरों की धरती है, हमारे तो यहाँ की औरतों ने भी अपने ज्वेलरी जो होती है अपने जेवरों को गलाकर हथियार बनाया वक्त आने पर। अब हिंदू चुप बैठने वाला नहीं है, ईंट का जवाब पत्थर से देगा, जरूर देगा। और ये याद रखना मुस्तफा जी, आपने कहा ना कि मैं कौमी सिपाही हूँ, मुस्तफा को जी मत लगाना बोलना, आलोक उनको बोलना मैं कह रहा हूँ मुस्तफा के साथ जी नहीं लगाना, जी लगाने का अधिकार अब इसने खो दिया है। सर कह रहे हैं कि मुस्तफा को जी नहीं लगाना, मुस्तफा जी नहीं बोलना, क्योंकि वो जी लगाने का अधिकार खो चुका है। ये हमारी हिंदुस्तान की सरकार ने उनको IPS का पद दिया, सिर्फ उस पद को हम जी लगा रहे हैं, अदरवाइज वो व्यक्ति केवल जूतों का हार डिजर्व करता है। जिस दिन वो डेरावासी क्षेत्र में आया वो कहता है मैं रैली करूंगा, मैं एक बाप की औलाद नहीं अगर उसके मुंह के ऊपर कालस ना फेंकूं मैं। संजय नाम है मेरा, याद रख लिया मुस्तफा, जिस दिन तेरी रैली डेरावासी क्षेत्र में हुई तेरे मुंह के ऊपर काला रंग मैं फेंकूंगा और हम सब हिंदू भाईचारा फेंकेगा। जय श्री राम। बिल्कुल जय श्री राम। सुरेश चौहान के जी, आपके नाम पर जो है न सिर्फ यहाँ पर यूथों में बड़ा क्रेज है, वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं, बारिश अभी भी तेज, अब बारिश तो थोड़ी तेज हो गई है, आप इतनी बारिश में खड़े हैं, मुस्तफा जो ये विवादित एक तरह से कहिए जो घटिया शब्द का प्रयोग हिंदू धर्म के लिए क्या है, आपका क्या रिएक्शन है? देखिए पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है पंजाब के लिए कि DGP मुस्तफा जैसा मतलब एक इंसान पंजाब में DGP रहा, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि ये DGP मुस्तफा कहो या नवजोत सिंह सिद्धू कहो
ये इन दो तीन लोगों की दोष नहीं है, ये एक विचारधारा की ही दिक्कत है। ये जो कांग्रेसी विचारधारा है, इस विचारधारा में यही इनको सिखाया जाता है कि हिंदू मुस्लिम हिंदू सिख आपस में लड़वाओ और यही राजनीति करो, इसी से आपको वोट मिलेंगे। लेकिन मैं एक बार डीजीपी मुस्तफा को डीजीपी रहा ही नहीं है अब, तो मैं कह रहा हूँ ये मुस्तफा भी नहीं रहा, अब तो ये किसी इंसान कहलाने के लायक ही नहीं रहा। तो आज की डेट में मैं एक बात कहूंगा कि हिंदू मुस्लिम हिंदू सिख भाईचारे से ये वोट नहीं प्राप्त कर सकते, और अगर पंजाब के अंदर इन्हें इलेक्शन लड़ना भी है तो आपस में भाईचारे को क्रिएट करो, उससे कुछ इनका बन गया तो बन गया, अदरवाइज मैं पूरा हिंदू धर्म पूरा सिख समाज पूरा मुसलमान समाज आपस में सब मिलकर के ऐसे घटिया लोगों का विरोध करो, जहां भी ये जाते हैं इनके मुंह पे जुत्ता मारो, ये जुत्ता ही डिजर्व करते हैं, ये हमारे घरों में आग लगवाते ही रहेंगे। बिल्कुल, न सिर्फ हिंदू धर्म के लोग बल्कि सिख समुदाय के लोग, सिख भी हिंदू है, गलती मत करना आलोक, अपनी बात दुरुस्त कर लेना, सिख हिंदू ही है। जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से मुस्तफा ने ये एक तरह से हिंदू धर्म को एक चैलेंज किया है, इस चैलेंज का किस तरह से जवाब देंगे आप? जैसे कि आपको पता है अपने सुप्रीमो हम जिसको सिखी धर्म कहते हैं श्री हरिमंदर साहिब, यहाँ पे चार दरवाजे हैं, इसमें हर धर्म के लिए इक्वलिटी है, ठीक है जी। मतलब इसने जो बयान दिया है, मतलब पंजाब की धरती पे जहाँ पे तू डीजीपी बना, पढ़ा लिखा सब कुछ हुआ, तू वहाँ पे हिंदू सिख भाईचारे मुसलमान भाईचारे सी आपस में वो करवा रहा है तू, वो गलत है, इसका हम विरोध करते हैं। टोनी राणा के पास, टोनी राणा के पास अब चलना, मैं टोनी राणा से सवाल पूछना चाहता हूँ। आप इधर आइए। हाँ जी टोनी राणा, आप लोगों के जैसे व्यक्ति होते हुए उनके माइक लगाना उनको जी। क्या टोनी राणा मेरा प्रश्न सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। टोनी जी, आप लोगों के जैसे होते हुए, ऐसे शेरों के होते हुए, ऐसे सुअर कैसे पंजाब को गंदा कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो जी ऐसे सूरों का इलाज भी हम ही करेंगे, आपने मेरे साथ खड़े भाइयों का जोश देखा ही है। जय श्री राम, जय श्री राम। वो वक्त दूर नहीं जब ऐसे सूरों को घर से निकलना भी बंद कर देंगे, क्योंकि ऐसी राजनीति पंजाब में नहीं चलेगी। ये गुरुओं की धरती है, पहले भी इन लोगों को हमारे समाज द्वारा जवाब दिया गया है, अब भी जल्द से जल्द मैं इसके ऊपर कार्रवाई भी करवाएंगे और इसका घर से निकलना भी मुश्किल कर देंगे हम। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ चौहान। चलिए हम अलग से इस पर मुद्दा भी कार्यक्रम करेंगे। पिछले दिनों ये जिला जब अलग किया गया था मलाई कोटला, तब ने हमने कहा था कि ये जिला अलग करना, खास करके पाकिस्तान बॉर्डर के साथ लगा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर ये मुस्तफा और इसकी बेगम को तो खुली छूट दी है। बिल्कुल, ये कांग्रेस की मानसिकता है जी, कांग्रेस की सारी मैं कहता हूँ ये चाल है। जो जब मुस्तफा की मैडम है जो रजिया, अगर कल मंत्री बनती है एमएलए बनती है तो ये जरूरी हो सकता है कि हिंदू को टारगेट करेंगे, लेकिन उसके लिए काफ़ी अब आपके माध्यम से भी आपके चैनल के माध्यम से लोग जागरूक होते जा रहे हैं, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। चलिए आप लोग, क्योंकि आज रविवार में कई मुद्दे लेने हैं, इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं, कल भी बात करेंगे। पूरे टीम का धन्यवाद जो इस वक्त वहां पर इतनी कड़ाके की ठंड में भी जुटी हुई। अगले मुद्दे की तरफ चलते हैं, देवबंद, जी हाँ देववृंद जिसका नाम है, जहां पर देवबंद मदरसा है, उस मदरसे के मुखिया का पिछले दिनों इंटरव्यू मैंने लिया था, चलते चलते आपने देखा होगा, उसी विवादित मदरसे की वेबसाइट पर सरकार की नजर पड़ी है और बहुत कुछ मिला है जिस पर उन्होंने प्रतिबंध की मांग की है। देखिए, विवादित फतवे जारी करने वाले दारुल उलूम देवबंद पर यूपी सरकार शिकंजा कसने जा रही है। बच्चों के अधिकारों के विरुद्ध फतवा जारी करने पर दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR ने नोटिस जारी करके सहारनपुर के DM को दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट की जांच करने के लिए कहा है। दरअसल दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट darulifta.devband.com पर गोद लिए बच्चे के वारिस बनने या न बनने पर अजीबोगरीब फतवा जारी किया गया है। गोद लिए गए बच्चे को संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलेगा,
और बच्चा किसी भी मामले में उत्तराधिकारी नहीं होगा। बच्चा गोद लेना गैर कानूनी नहीं है, बल्कि सिर्फ बच्चे को गोद लेने से वास्तविक बच्चे का कानून उस पर लागू नहीं होगा। ये अवश्य होगा कि मैच्योर होने के बाद शरिया पर्दा का पालन करना पड़ेगा। NCPCR ने दारुल उलूम देवबंद के इस फतवे पर सख्त रुख अपनाया है। NCPCR ने नोटिस जारी कर यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि इस तरह के बयान बच्चों के अधिकारों के विपरीत है। वेबसाइट तक खुली पहुंच उनके लिए हानिकारक है। दारुल उलूम देवबंद की ओर से जारी हो रहे गैर कानूनी फतवों की जांच हो, यूपी सरकार तुरंत कार्रवाई करे। NCPCR ने इस मामले में सहारनपुर के DM से 10 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है। दारुल इफ्ता देवबंद .com वेबसाइट की जांच करने को कहा गया है। दारुल इफ्ता देवबंद .com की बात करें तो इस वेबसाइट पर मुस्लिम अपने अजीबोगरीब सवाल रखते हैं, फिर दारुल उलूम देवबंद की ओर से उन्हें ज्ञान दिया जाता है। दारुल इफ्ता देवबंद .com पर पूछे गए सवाल और दिए गए जवाब बेहद ही हास्यास्पद लगते हैं। देश के मुसलमानों को इस्लामी शिक्षा देने के लिहाज से स्थापित हुआ दारुल उलूम देवबंद गैर कानूनी और अजीबोगरीब फतवों के लिए जाना जाता है। इस तरह के फतवे पहले भी जारी होते रहे हैं जो गैर कानूनी और असंवैधानिक होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। अब पुनः महाराष्ट्र के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। मैंने पहले मराठवाड़ा दिखाया, अभी उत्तर महाराष्ट्र नासिक, जहां प्रभु रामचंद्र जी के वास्तव के साथ जहां पवित्र हुए इस नासिक शहर में, जहां कालाराम जी का मंदिर भी है, उस महत्वपूर्ण शहर में दत्त मंदिर, जहां भगवान दत्त की उपासना होती है, और उस पर अब लैंड जिहादियों का पूरा नियंत्रण होने जा रहा है। देखिए, अभी हम खड़े हैं दत्त मंदिर में, जो हैप्पी होम कॉलोनी के सात्विक नगर में स्थित है, नासिक में। और यह जो मंदिर है, एक विशिष्ट स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर जो आजू बाजू में जो बिल्डिंग्स है, ये जो बिल्डिंग्स है, सब बिल्डिंग्स मुस्लिम नागरिकों ने खरीद ली है। पहले ये सब जो विभाग था, ये हिंदू विभाग था, लेकिन कुछ अरसे पहले यहाँ पर सब मुस्लिम लोग आकर बस गए हैं। और ये जो मंदिर है, ये मंदिर के चारों बाजू में सब मुस्लिम लोग आकर अपनी बिल्डिंग बना चुके हैं, और मंदिर अकेला बीच में रह गए। जैसे किसी नदी में कोई टापू होता है, उस टापू के जैसा ये मंदिर बन गया है। और इस मंदिर में एक कछुए की मूर्ति थी, एक भगवान दत्त के बाजू में गणपति की मूर्ति थी। इन दोनों की जो स्थिति ऐसी खराब हो गई थी कि गणपति के मूर्ति का पैर तोड़ दिया था, कछुए के मूर्ति की जो मुंडी थी वो भी तोड़ दी थी। और इसी तरह इस मंदिर में जो जो आज तक प्रकार हुए हैं, इसके बारे में भी बताना चाहूँगा। यहाँ पर एक मरी हुई बिल्ली दो मुस्लिम युवकों ने गाड़ दी थी। यहाँ पर जब भजन चल रहा था, तब ये पत्थर पत्रे पर फेंके गए थे। और रोज रात को 9 बजे के बाद पुलिस ने यहाँ पर आना मना किया है, उसके बावजूद भी यहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं, वो मंदिर के कंपाउंड को लांग कर बीच में आ जाते हैं और यहाँ पर बैडमिंटन खेलते हैं। इसके बारे में पुलिस को बार बार कंप्लेंट की गई है, तकरार की गई है, लेकिन पुलिस भी इसकी कोई दखल नहीं ले रहा है। भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृहमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के गृहमंत्री को भी कंप्लेंट की गई है, लेकिन आज तक इस मंदिर के बारे में किसी ने कोई अपना अधिकार यहाँ पर प्रस्थापित नहीं किया है। जैसे कि इस दत्त मंदिर के बारे में सब मालूमात हमने पहले ही दी है, और आज गुरुवार के दिन यहाँ पर जो महाआरती होती है, उसमें इतने श्रद्धालु आज यहाँ पर उपस्थित है, और सभी लोगों में इस तरह का एक वातावरण बना हुआ है कि जो हिंदुओं का मंदिर है, वो हिंदू राष्ट्र में, हमारे भारत देश में अगर सुरक्षित नहीं हो सकता, तो और कहाँ सुरक्षित हो सकता है। तो आज हमारे साथ में जो जो श्रद्धालु है, उनमें से कुछ लोग अपनी भावनाओं को यहाँ पर प्रकट करना चाहेंगे। नासिक में एक दत्त महाराज जी का मंदिर है, हैप्पी सात्विक नगर परिसर में। लॉकडाउन में एक गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार मंदिर 1.5-2 साल बंद था,
उस दरमियान यहाँ पे आजू बाजू में मुस्लिम फैमिली ज़्यादा है, यहाँ पे हिंदू लोग कम रहते हैं और मुस्लिम फैमिली ज़्यादा है। उनके लड़के बच्चे वो यहाँ पे पान खा के थूकते थे। यहाँ पे मूर्ति की, गणेश जी की मूर्ति की, कछुआ उनकी मांग की यहाँ पे विटंबना की है। आज मैं सुदर्शन न्यूज चैनल के माध्यम से हमारे सभी हिंदू भाइयों की और सबकी जो भावनाएं हैं वो व्यक्त करना चाहूँगा। जिस तरीके से हम लोग अभी सब यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, पिछले कोरोना काल में जो हमारे मंदिरों को ताला लगाया गया था, उसके बाद यहाँ पर जो माहौल है, जो मोहल्ला है, वो मोहल्ले के लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे हमारे मूर्तियों की विटंबना की थी। ये मंदिर सुरक्षित नहीं। गणपति बप्पा का मंदिर, भगवान दत्त का मंदिर, दत्त मंदिर से गणपति बप्पा की मूर्ति की विडंबना हो या वहां पर जो आध्यात्मिक प्रतीक है कछुआ उसको तोड़ना हो। इतना ही नहीं, बहुत कुछ हो रहा है। स्वयं अध्यक्ष बता रहे क्या क्या होता है। हिंदू यहां भी बहुत संख्यक थे, पर कोरोना काल में कुछ ऐसी घटनाएं घटी उस कारण यहाँ के हिंदू कम हो गए। फिर कम होने के बाद ये धर्मस्थान तो दत्त मंदिर पहले से ही यहाँ स्थापित है, फिर ऐसे स्थापित दत्त मंदिर में दर्शनार्थी कम हो गए, भाविक कम हो गए। वो कोरोना काल था इस करके वो चीज़ हो गई। पर अभी जब से हम लोगों को यहाँ मालूम पड़ा, सब हम भक्त मंडल, यहाँ के सब हिंदू संगठन, मिलिंद जी कुलकर्णी, पंकज जी सिंदेकर, प्रकाश खतवानी, ये सब लोगों ने यहाँ पर सभी को आह्वान किया और आह्वान करने के बाद यहाँ जो भी धर्मद्रोही लोग काम कर रहे थे उनको हमारी संख्या देख के यहाँ पर उनको घबराना पड़ा और वो यहाँ पे माता, ये जो मंदिर है इस मंदिर का संरक्षण सब हिंदू मिलके कर रहे हैं और पूरे नासिक शहर के हर विभाग से लोग आए हैं और हर दिन गुरुवार की जो आरती यहाँ पर होती है 7:30 बजे की, उस आरती में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सम्मिलित होके यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई। यहाँ का कछुआ तोड़ दिया था, गणपति जी की मूर्ति तोड़ दी। तो यहाँ सारे जो लोग बोल रहे हो, जो बता रहे हो, उसको एक बार दिखाते हैं, इन फोटो को दिखाते हैं जिसमें क्या क्या तोड़ा गया था, कैसे पुनः गणपति की मूर्ति को स्थापित करना पड़ा। फोटो का लूप देखिए, यहाँ पर गणेश जी की पहले अलग मूर्ति थी, यह मूर्ति तोड़ी गई, इसलिए पुनः स्थानीय लोगों ने यहां पर दूसरी मूर्ति का स्थापना की। ये हमारे हिंदू मंदिरों में कछुआ होता है जो कि भगवान के पास जाने के लिए आपको धैर्य का प्रतीक रखना चाहिए और पंचेंद्रियों की सुरक्षा की बात करने वाला संदेश इसके द्वारा दिया जाता है, उसको भी बताया जाता है। अब ये देखिए, ये टूटा हुआ आपको दिखा रहे हैं, गर्दन आपको इसमें नहीं दिख रही है, यह तोड़ी गई है। एक तरीके से धीरे 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 यहां पर जो प्रतीक है उनको तोड़ के लोगों के मन में भय उत्पन्न करके उनको यहां से भगाने की रणनीति है। इस मंदिर पर मैं पुनः पूरा बिंदास बोल कभी करूंगा। अभी हमारे साथ गेस्ट भी जुड़े, लेकिन क्योंकि आज समय की कमी है और हमको और भी मुद्दों को लेना है, इसलिए दत्त मंदिर नासिक पुनः बात करेंगे। वैसे मैं स्थानीय प्रतिनिधि जो हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि प्रशासन को कहिए कि इस मंदिर को हम गोद लेने के लिए तैयार है, इसका पूरा खर्चा और सुरक्षा सुदर्शन करेगा अगर वो हमको देते हैं। आगे बढ़ते, महाराष्ट्र में, मुंबई में, या खास करके जहां विकसित राज्य होता है वहां की जनता पर्यावरण से लेकर बाकी सारी चीजों के प्रति बड़ी ही सजग जागरूक रहती है। मुंबई में आज एक बड़े पुराने पेड़ को तोड़ा जा रहा था, तो एक जागरूक नागरिक ने पूछा कि यह तोड़ने का आपके पास परमिशन है क्या, तो उसके साथ क्या हुआ देखिए। मुंबई का यह प्रकरण, इस व्यक्ति का अपराध केवल इतना है कि इसने पूछा कि जो पेड़ यहां पर सरकार तोड़ने जा रही है पुलिस संरक्षण में, वो पेड़ तोड़ने का उनके पास कोई अधिकार है क्या, का कोई परमिशन है क्या। सौ साल पुराने पेड़ को तोड़ने का रोकने वाले पर्यावरण प्रेमी पर किसी आतंकवादी की तरह गाड़ी में उसको ठोसा जा रहा है। सोचिए, कोई पेड़ बचाने के लिए आखिर फिर आगे क्यों आए। हम आशा करते हैं कि संबंधित लोगों पर कार्रवाई भी होगी और इस व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाए कि ये तंत्र से लड़कर
पर्यावरण को बचाने का प्रयास कर रहा है। दिल्ली में एक और प्रकरण सामने आया है, क्योंकि चुनाव भी है तो इन मुद्दों को सामने लाना जरूरी है, क्योंकि आप सही लोक प्रतिनिधियों का चुनाव ही कर सके। सपा से जुड़े हुए एक मीडिया संस्थान तथा कथित संस्थान चलाने वाले व्यक्ति पर उन्हीं के कर्मचारी ने आरोप लगाया है। सुनिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो। मैं प्रोफेशन से एक जर्नलिस्ट हूँ और मैं प्रीत विहार में न्यूज एक्शन नाम के जो न्यूज एक्शन नेटवर्क नाम का एक ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है उसमें काम करती थी, और वहाँ का जो एमडी था शांत चौधरी वो मुझ पर लगातार धर्म परिवर्तन का प्रेशर बनाता था और ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो ये कहता था तुम देखने में जो है मुस्लिम लड़कियों की तरह लगती हो, अगर तुम धर्म परिवर्तन कर लोगी तो मैं आज तुम्हारी जो सैलरी 25,000 रुपये है वो मैं तुम्हारी 1,00,000 रुपये कर दूंगा। मैंने इस चीज़ में मैंने डिसीजन लिया, क्योंकि मेरी स्टडी भी कंटिन्यू है, मैंने डिसीजन लिया कि मैं कंपनी को रिज़ाइन कर दूंगी और मैंने कंपनी को रिज़ाइन कर दिया, जिसके बाद मेरी 45 डेज के लिए सैलरी को होल्ड कर दिया जाता है और 47th डे पर मुझे न्यूज़ एक्शन नेटवर्क में बहाने से बुलाया जाता है और मुझसे कहा जाता है कि आप 4 बजे के बाद आना, शाम को 4 बजे के बाद। बुशरा मुझे ऑफिस में बुलाती है और वहाँ पर पहले से ही प्री प्लान्ड होता है। ऑफिस में शांत चौधरी का जो कैबिन है उसमें मुझे बुलाया जाता है, जहाँ पे रिया गुप्ता, रोशनी, बुशरा और शांत चौधरी वो पहले से ही बैठे होते हैं और वो मुझे बुलाते हैं अंदर, और जिसके बाद वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी करता है शांत, मुझसे गाली गलौज करता है, यहाँ तक कि मुझे जान से मारने की भी धमकी देता है। जिसके बाद मैं जैसे तैसे मैं वहाँ से भागती हूँ अपने सहयोगियों की मदद से और मैं थाना प्रीत विहार तक पहुंच जाती हूँ। थाना प्रीत विहार में मैंने अपनी FIR दर्ज करवाती हूँ, लेकिन वहाँ पर जो ASI सोहनवीर है वो मेरी FIR नहीं दर्ज करता, वो 2 दिन तक मुझे थाने में बिठा भगाता है। जिसके बाद ASI सोहनवीर 2 दिन लगा देते हैं मेरी FIR को दर्ज करने में, जिसके बाद मेरे 3 IU बदल चुके हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक भी कोई ना तो अरेस्टिंग हुई है, ना मेरे इस मामले में कोई भी सबूत इकट्ठा करा गया है और ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन उनकी तरफ से की गई है। मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप मेरी आवाज़ को उठाएं, मेरी मदद करें, प्लीज़ मुझे इंसाफ दिलाने में मेरी मदद करो, मुझे इंसाफ दें प्लीज़, मुझे इंसाफ दिलाएं, नहीं तो मजबूरन मुझे अगर कोई ने भी नामों को लिया है उन नामों को संपर्क करने हमने उनकी प्रतिक्रिया मांगने का भी प्रयास किया, लेकिन कोई भी उपलब्ध नहीं हुआ, इसलिए हमने इस लड़की के वीडियो को ही चलाया है। भविष्य में भी वो अपना पक्ष रखने के लिए संपर्क करना चाहें तो हम उपलब्ध हैं, हम दिल्ली पुलिस से न्याय की मांग करते हैं। आज जब मैं लाइव दे रहा हूं तो ये 23 तारीख है, 23 जनवरी, जहां हिंदुस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का आज का जयंती का दिवस है। यह विशेष इसलिए भी है कि हमने 23 जनवरी 2006 को दिल्ली में राजपथ पर राष्ट्रपति भवन के सामने इंडिया गेट के बाद जो एक छतरी बनी है जिसमें जॉर्ज पंचम का कवि मूर्ति लगा था, भक्तों ने हटाया, वहां पर नेताजी की मूर्ति लगाने की मांग कर रहे थे। कई सरकार इन दौरान बदली लेकिन कभी भी वहां पर मूर्ति नहीं लगी। 2006 से अब तक इसको कई देशभक्तों ने समर्थन दिया और अंतिमता इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर मूर्ति लगाने की घोषणा की। देशभक्तों का आज का यह धन्यवाद हम प्रधानमंत्री तक पहुंचाते हैं, जिसमें नेताजी को उचित सम्मान देने के लिए सरकार ने जो पहल की है उसके लिए हम उसके आभारी है। आज हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की भी जयंती है। आज हम सच्चे शिव सैनिकों से अपील करते हैं कि जो शिव सैनिक है वो राजनैतिक नहीं होता, लेकिन शिवसेना के राजनैतिक नेतृत्व के द्वारा बाला साहब के विचार पर पुनः लौटने के लिए वो प्रयास करें और उनके प्रयासों को यश आए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।